झमाड़ा में अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिलने से नाराज आश्रितों ने भिक्षाटन कर जताया विरोध। बता दें, झमाड़ा में अनुकंपा के आधार पर नियोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे मृतकों के आश्रितों ने आज झमाड़ा कार्यालय से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक भिक्षाटन कर विरोध जताया और सरकार से नियोजन देने की मांग की। बता दें, तकरीबन 12 वर्षों से झमाड़ा में कार्यरत मृतकों के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियोजन की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कई बार नियोजन देने की बात भी कही गई, पर आज तक नियोजन नहीं मिला, जिसको लेकर आज विरोध जताते हुए आश्रितों ने भिक्षाटन भी किया, साथ ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई। करीब 2 साल से हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है, कोई सरकार नहीं, कोई सरकार नहीं सुन रहा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है। यहाँ पे जो है हम लोग मेन सड़क पे जो है आज करीब करीब 2 साल से धरना कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग धनबाद का जितना बड़ा अधिकारी है यहीं से गुजरते हैं। वो डेली 11, 11:30, 12 बजे 12 बजे डेली सबका आना जाना है, चाहे वो DC हो, ADM हो, SDM हो, माता का अधिकारी लोग हों, सब यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन आज तक कोई धरना में हम लोग देखे नहीं कि हम लोग क्या दिक्कत हो रहा है। हम लोग का मांग जायज है। हम लोग जो है 2006 से लेकर 2010 तक में जिस आधार पर माड़ा में बहाली होते हुए आया है, उसी आधार पर जो है बहाली का मांग कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं। हम लोग की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया, हम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, तो हम लोग इलाज कराने का पैसा नहीं हो रहा। हम लोग दिन दिन भर भूखे रह करके धरना कर रहे हैं। हम लोग का स्थिति जो है दिन ब दिन बस से बदतर होते जा रहा है, जिससे जो है हम लोग परेशान होकर के आज भिक्षाटन कार्यक्रम किए हैं और आगे भी ऐसा कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। और बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोग का, हम लोग मतलब घर द्वार नहीं चला पा रहे हैं, इसी से भिक्षाटन हम लोग कर रहे हैं। हाँ, इसी से अपना जीवन यापन करेंगे, इसी जो अब होगा मतलब भिक्षाटन से हम लोग जिंदा रहेंगे। वो आश्वासन दिए, बोले कि ठीक है, हम सरकार अभी तक तो जो भी मिला है सर आश्वासन ही मिला है, आश्वासन से धरना समाप्त नहीं किया जा सकता है। और मंत्री जी भी विधायक जी भी बोलिए कि हम जो है अपना स्तर से वहाँ सरकार के पास से बात करेंगे। इतने दिन से धरना करना और अनुकंपा के आधार पर नियोजन का मांग करना, ये मतलब लोकतंत्र में सही नहीं है और हम जो है अपना स्तर से सरकार में इसका बात करेंगे। अभी हम लोग जा करके जो है DC साहब से मिलेंगे और DC साहब को हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बहुत परेशानी हो रहा है और जो है मामले को आप संज्ञान में लेकर करके जो हम लोग तुरंत तत्काल जो है बहाली दीजिए, क्योंकि माडा में जो है बहुत जगह बहुत पोस्ट खाली है और यहाँ पे जो है आउटसोर्सिंग से काम लिया जा रहा है, जबकि हम लोग का जो मतलब राइट मांग है उसको दरकिनार किया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अजहर खान हुआ। इतने दिन सब लोग धरना पे बैठे हैं, आज आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, मांग नहीं सुना जा रहा? तो हम लोग 2 साल से धरना दे के बैठे हुए हैं, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आज 2 साल पूरा हो गया तो हम लोग भिक्षा मांगने के लिए निकले, हम लोग को कोई भलो कोई सुनवाई नहीं, कोई MD भी नहीं सुन रहा है, DC भी नहीं सुन रहा, जो आता है कोई भी नहीं सुन रहा। आज 2 साल हो गया भारत में, 2 साल धरना कोई मायने होता है? हम लोग क्या करें, बाल बच्चा हम लोग के भी अनपढ़ रह गया, हम लोग दूसरा ही बर्तन धो के कितना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे? इसलिए आज हम लोग भिक्षा मांगने निकले। हम लोग को काम नहीं दे रहा, हम लोग का अपना काम है, हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहा था हम लोग का करें नीचे ना। हाँ, हम लोग का अपना नौकरी है, हमारा पति डेट कर गया, मेरा पति की डेट कर ला 12 साल हो गया, मेरा बेटा 3 साल के था और उतना दिन से हम बच्चा को कैसे पढ़ाएं कैसे खिलाएं, तब जब देवे नहीं करेगा तो हम लोग भीख मांग के खाएंगे, भीख मांगेंगे, ऐसे से गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे भीख मांग के गुजारा करेंगे, क्या करेंगे बच्चा लोग को आगे क्या कीजिएगा, आगे क्या करेंगे, इसी भीख मांगेंगे। जितना दिन 2 साल हो गया, ज्यादा से ज्यादा जान दिया जाएगा तो बाले बच्चे जान दे देंगे। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरा चंपा देवी।